हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग टाटा मोटर्स में जो न्यूज है और इस न्यूज से स्टॉक प्राइस में क्या चेंजेस आ सकते हैं उस पे बात करने वाले हैं। तो डिटेल्स के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मेरा चैनल इस आई बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप सब मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल बुकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट। यहाँ पे आपको पहला साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री मिलेगा। मिनिमम ब्रोकिंग चार्जेस आपके 20 रुपीज पर डील होंगे और भी कई सारे फायदे हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल बुकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो देखिए, मैंने अभी ये वीकली चार्ट खोल रखा है, ठीक है। मैं आपको डेली चार्ट में ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छी एक मूव दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक एक फ्लैग और पोल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये अगर आप देख लोगे, ये फ्लैग पैटर्न हो गया, ठीक है, ये फ्लैग हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ये फ्लैग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की एक बहुत अच्छी तैयारी है इस स्टॉक में। और इस स्टॉक में जो न्यूज निकल करके आ रही है वो न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी के चलते इस स्टॉक में देखिए, आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे ले चलता हूँ, जिसमें देखिए आपको समझेगा कि लास्ट 1 आवर में एक न्यूज निकल के आई थी जिसके चलते स्टॉक देखिए बहुत अच्छी अपसाइड मूव दिया। अराउंड अबाउट 245 जो न्यूज आई थी, 245 से लेके देखिए यहाँ पे 3315 तक, यानी कि आधे घंटे में स्टॉक देखिए 324-325 रुपीज के लेवल से सीधा 335 के लेवल पे पहुंच गया था। देखिए, इस स्टॉक का जो हाई लगा था वो 335 रुपीज का था और फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया और ये स्टॉक अभी क्लोज हुआ है 331.90, यानी कि 332 रुपीज के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। तो क्या है वो न्यूज जिसके चलते ये स्टॉक ने बहुत अच्छी एक अपसाइड मूव दी थी, चलिए देखते हैं वो न्यूज क्या है। तो देखिए, इस स्टॉक में जो न्यूज निकल करके आ रही है वो ये है कि टाटा मोटर्स एम्स टू मेक जैगवार लैंड रोवर एंड ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी ब्रांड बाय 2025, ठीक है। तो ये लोग जीरो कार्बन बिजनेस में जाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आगे ये न्यूज भी दी है, टाटा मोटर्स ऑल्सो सेड दैट इट एम्स टू मेक जेएलआर अ नेट जीरो कार्बन बिजनेस बाय, यानी कि आने वाले टाइम में ये पूरी तरीके से जो कंपनी है, जो ये ब्रांड है जेएलआर का, ये पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आर्किटेक्चर से होने वाला है। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ही एक अच्छा चलन जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। और जो न्यूज निकल करके आई थी, देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स टू फोकस ऑन सीवी, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, बिज अंडर न्यू सीईओ। जो इनके नए नए सीईओ आए थे 2-3 दिन पहले, इन्होंने अपॉइंट किया है और जो अपनी सीईओ का कमान जुलाई 1 से संभालने वाले हैं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कमर्शियल व्हीकल्स जो है उनका पूरी तरीके से फोकस रहने वाला है आने वाले कुछ सालों के लिए। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे आने वाले 4-5 सालों में ये लोग जो जैगवार लैंड रोवर का जो 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ला रहे हैं उसके चलते स्टॉक ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी थी लास्ट हाफ एन आवर में। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और लंबी अवधि के लिए जो इसमें इन्वेस्ट निवेश करना चाहते हैं, जो 5-10 साल 15 साल के लिए कोई स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो इनके जेएलआर ब्रांड है इसको पूरी तरीके से ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील करने का प्लान बनाया हुआ है प्योरली। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो निवेशक है उनको इस न्यूज पे ध्यान देना पड़ेगा। अब चलता हूं मैं आपको टेक्निकल पार्ट पे, मुझे क्या लगता है स्टॉक के बारे में, कहाँ तक ये आपको स्टॉक ले जा सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपको ले आया हूँ वापस टेक्निकल चार्ट्स पे। और जैसे मैंने आपको बताया, इस स्टॉक ने एक फ्लैग और पोल बनाया है। यहाँ पे देखिए डेली चार्ट्स पे यहाँ पे एक फ्लैग और ये पोल का एक सिंबल बनाया है। तो यहाँ से जैसे ही ये स्टॉक 341 और 342 के ऊपर निकलेगा, जो कि 3 फरवरी का हाई है, तो 342 के ऊपर अगर ये क्लोज देने में सक्सेसफुल होता है तो आपको इस स्टॉक में जो प्राइसेस आते हुए दिख सकते हैं वो होंगे अराउंड अबाउट 372 रुपीज के, और 420 रुपीज तक के टारगेट्स इस स्टॉक में आपको आते हुए दिख सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम,
ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, अगर आपने ये मेरी वीडियो फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको पूरा एक व्यू दिया है कि कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है और क्या नहीं। तो इस आई बटन पे क्लिक करके भी ये वीडियो आप देख सकते हो, पूरी डिटेल में है, ठीक है। तो देखिए, आपको इस वीडियो में भी एक व्यू दे देता हूँ कि कहाँ तक ये स्टॉक आपको जाते हुए दिख सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म अगर ये स्टॉक 342 के ऊपर निकलता है, तो आपको 372 और 300 सॉरी 372 और 420 रुपीज तक के टारगेट जो है वो इजिली विद इन शॉर्ट टर्म आते हुए दिखेंगे। और जो लॉन्ग टर्म मेरे टारगेट्स है इस स्टॉक में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने जो हाईज लगाए थे फर्स्ट टाइम जो 605 रुपीज तक के थे, तो 605 रुपीज के टारगेट्स फरवरी 2015 में लगे थे। उसके बाद इस स्टॉक ने वापस ट्राई किया था सितंबर 2016 में जाने का क्लोज, बट वहां से स्टॉक ने एक डाउनसाइड मूवमेंट चालू की थी और पेंडेमिक में स्टॉक ने अराउंड अबाउट 60 रुपीज के आसपास का लो लगाया था। और तब से लेके अब तक देखिए एक शानदार मूवमेंट रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलते, टेस्लाज और बाकी सब न्यूज के चलते स्टॉक ने देखिए 340 रुपीज के आसपास का हाई बनाया है अब तक। तो आने वाले समय में जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास पेशेंस है और आप जानते हो कि स्टॉक का रियल वैल्यू क्या है, तो आने वाले टाइम में जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक नया दौर आने वाला है, तो उसके चलते इन स्टॉक्स में बहुत अच्छी एक कमाई यानी कि मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म जैसे मैंने आपको बताया 372 और 420 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं मेरे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे इसको, ठीक है, तो ये वीकली चार्ट जैसे कि दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो आपको रखना होगा वो समवेयर अराउंड देखिए 430 रुपीज का होगा, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे ये स्टॉक 440 430 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होता है, तो ऊपर की रेंज जो आती है इसमें वो अराउंड अबाउट 500 के आसपास की आती है, जो कि 490-500 के आसपास की है। और ये स्टॉक एक बार उसकी जो हाईज है उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये 500 और 600 की जो हाईज है इसके, अगर ये निकालता है तो ऊपर की तरफ इस स्टॉक में जो टारगेट्स निकल करके आते हैं वो होते हैं 750 रुपीज, 900 और 1000 के। तो मैं इस स्टॉक में काफी बुलिश हूँ। जो लोग यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि 10 साल, 15 साल या 20 साल का लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ये वो स्टॉक है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। यहाँ पे मेरे टारगेट जो है वो अभी भी मैं 1000+ के टारगेट्स यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक मूव आ सकती है, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है जरूर। तो फर्स्ट टारगेट्स आपको रखने होंगे अराउंड अबाउट 450 और 500 के आसपास के, जो लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। ये स्टॉक पे मैं काफी बुलिश हूँ और बहुत पहले से बुलिश रहा हूँ। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी, वो मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाली थी, जो इस आई बटन पे क्लिक करके आप वापस देख सकते हो, मैंने 140-150 के रुपीज के लेवल्स पे डाली थी। उसके बाद मैंने जनवरी में भी आपको जो लेवल्स बताई थी वो समवेयर अराउंड 250 और 260 के आसपास के थे। तो तब से लेकर अब तक भी देखिए यहाँ पे अराउंड अबाउट 100 पॉइंट्स की मूवमेंट आ चुकी है। तो ये स्टॉक अब रुकने वाला नहीं है, आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक आपको अराउंड अबाउट 500-600 के लेवल्स पे इजीली जाते हुए दिखेगा। तो ये एक बेस्ट बाय है इस प्राइसेस पे, एक मल्टीबैगर स्टॉक है, आपका वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो इस स्टॉक को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू।